Welcome back. The debate to return Indian artifacts. One single diamond which is inside there, which is the Kohinoor. It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. 105.6 carat Kohinoor. The diamond should be returned. यही वजह है कि अब कोहिनूर को वापस भारत लाने की जो उम्मीद है वो और बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और इंडियन गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपीस के कोहिनूर हीरे के साथ साथ जो भी इंडियन प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स हैं ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए उन सभी को वापस लाने के लिए ऑफिशियली रिपेट्रिएशन ऑफ द पास्ट नाम के कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2022 क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ कोहिनूर को इंडिया में वापस लाने की डिमांड का एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया। सबसे पहले तो इंडिया में कोहिनूर को लेकर आने के लिए कई सारे पिटिशंस दर्ज हुए, लेकिन ये एक वेव में तब्दील तब हुए जब 16 February 2023 को गुड मॉर्निंग ब्रिटेन नाम की एक न्यूज टीवी शो में ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस नरिंदर कौर का एक वीडियो काफी वायरल हो गया। It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. जहाँ पर उन्होंने कोहिनूर वापस करने की बात मीडिया में स्ट्रॉन्गली रखी और फिर इसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर ये दो हैशटैग्स काफी ट्रेंडिंग हो गए। इस पूरे मूवमेंट को इंडियन सेलिब्रिटीज ने भी खूब सपोर्ट किया। क्रिकेटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर ने तो लाइव कमेंट्री में एलन विल्किंस को कोहिनूर लौटाने की मांग भी कर दी। बट फ्रेंड्स, मैटर ऑफ फैक्ट तो ये है कि ये रिपेट्रिएशन कोई आजकल की बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट उन फैक्ट्स को 2014 से ही वापस लाने में जुटी हुई। तब खुद पीएम मोदी ने ये ओपनली कमिट किया था कि वो उन सारे आर्टिफैक्ट्स को वापस लेकर आएंगे जो दूसरे देशों के म्यूजियम्स में रखे हुए। तब से टोटल 200 से भी ज्यादा इंडियन आर्टिफैक्ट्स यूएस ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड जैसे देशों से इंडिया वापस आ भी चुके। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि काफी कम लोग ये जानते हैं कि भारत के ये सारे अनमोल रत्न सिर्फ हिस्टोरिकली कॉलोनियल पावर्स द्वारा ही इंडिया से लूटे नहीं गए हैं। इंडिया के हेरिटेज लॉस का एक मेजर रीजन स्मगलिंग भी है। यूनेस्को के अनुसार ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी अराउंड 50,000 इंडियन आर्टिफैक्ट्स स्मगल होकर बाहर के देशों में गए हैं। टाइम्स ऑफ लंदन के हिसाब से सिर्फ पिछले एक साल में ही टोटल 16 मिलियन डॉलर्स के आर्टिफैक्ट्स इंडिया से स्मगल किए गए। इमेजिन, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसको कर्ब करने की ट्राई भी कर रही है। हाल ही में न्यूज ये भी आया था कि गवर्नमेंट ने इस स्मगलिंग रैकेट के एक मेजर प्लेयर सुभाष कपूर को अरेस्ट किया, जिसने अपने निम्बस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के थ्रू लॉर्ड अर्धनीश्वरा की एंटीक मूर्ति को मैनहट्टन म्यूजियम को बेचा था। एक्चुअली ना ये स्मगलर्स काफी सिस्टमैटिकली ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। एसपीएमआरएफ रिपोर्ट के अनुसार इन ऑपरेशंस के मेन खिलाड़ी होते हैं डीलर्स, जो चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में बैठकर इन ग्रुप्स के लोगों को पैसों के बदले कोई आर्टिफैक्ट चोरी करने का काम देते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स के मिलते ही वो अपने फेक कंपनीज लाइक निम्बस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए एक आर्टिफैक्ट ऑथेंटिकेटर के पास जाते हैं। ये ऑथेंटिकेटर्स भी उन स्मगलर से मिले हुए होते हैं और वो उन डीलर्स को आर्टिफैक्ट्स के ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स बनवाकर दे देते हैं, जिससे लेकर फिर डीलर्स आर्टिफैक्ट्स को अब्रॉड के किसी भी आर्ट गैलरी या म्यूजियम को आसानी बेच सकते हैं। अब ये प्रोसेस पहले तो और भी ज्यादा रैम्पेंट हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से ऐसे कई सारे एंटीक स्मगलिंग रैकेट्स को बस्ट कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स इंडिया में वापस आ गए। प्रिंट न्यूज के एक आर्टिकल के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक 200 आर्टिफैक्ट्स को इंडिया ने रिटेन कर दिया है, जिनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट है नटराज आइडल, जिसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर वापस आया गया था। Also, another thing to consider, जब इन artifacts को इंडिया में लेकर आया जाएगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को। एक सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में कितना बड़ा रोल होता है, ये आप इसी से समझ लो कि अकेले इंडिया के गेमिंग सेक्टर ने ही इंडिया की जीडीपी में 167 बिलियन रुपीस का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। इनफैक्ट एक ऐसा ही गेम है जो इंडिया के इकोनॉमी में हेविली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो अब आप इंडियन गेमिंग इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नेसेसरी स्किल्स लगेंगे, जिसे आप एक काफी बिगिनर फ्रेंडली एंड फ्री प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज कर सकते हो। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स पीसी और वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स लेजेंड्स WoW एक नेवल वॉरफेयर थीम्ड मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है, जिसमें प्लेयर्स रैंडम या कोऑपरेटिव बैटल टाइप के जरिए बॉट्स या फिर किसी ह्यूमन प्लेयर के साथ वॉर्स लड़ सकते हैं। और इसके लिए इस गेम में 600 प्लस शिप्स, 40 प्लस मैप्स, 20 प्लस पोर्ट्स और सबमरीन्स को ऐड किया गया है, जो लगातार अपडेट्स भी होते रहते हैं। इसकी एक और एक खास बात यह भी है कि बैटलफील्ड में मौजूद लेजेंडरी कमांडर्स को कलेक्ट करके अपने यूनिक प्ले स्टाइल को क्रिएट आप कर सकते हो और साथ ही शिप्स को भी कस्टमाइज करके बैटलफील्ड में अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। इस गेम को एंजॉय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करना होगा और ये कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको मिलेगा 7 days का प्रीमियम अकाउंट, 20 हंटर कैमोफ्लेज और 3 प्रीमियम शिप्स, चार्लस्टन, मिकासा और ऑरोरा फॉर फ्री। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर इट एंड डाउनलोड फॉर फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। इनफैक्ट आज तो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन से हम सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं, जैसे ग्रीस और कैम्बोडिया। सो बात कुछ ऐसी है ना, लैंचफोर्ड नाम के एक एक्सप्लोरर ने 19th सेंचुरी में कई सारे सीक्रेट कैम्बोडियन आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश म्यूजियम्स को बेच दिया था। उसी तरह लॉर्ड एल्गिन नाम के एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ग्रीक के पैंथियन टेम्पल से 17 स्टैचूज निकालकर ब्रिटिश म्यूजियम्स में प्लेस कर दिया था। सो ऐसे कई सारे और भी कंट्रीज है जो ब्रिटेन से अपने आर्टिफैक्ट्स वापस लाना चाहते हैं। ब्रिटेन एक बहुत ही इंपीरियलिस्ट कॉलोनाइजर था जिसने दूसरे भी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था और लूटा था, और इंडिया के जैसे दूसरे कॉलोनीज भी एक साथ अब अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो शायद इस नए बनने वाले अलायंस में और भी मेजर कंट्रीज ऐड होंगे धीरे धीरे करके, और इस स्ट्रैटेजी से कोहिनूर हीरे के इंडिया में लौटने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। और अगर आज के तारीख में हम ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन टॉपिक को घुमा रहा है, क्योंकि फिलहाल ब्रिटेन ये कह रहा है कि कोहिनूर हीरा इंडिया का ही है, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल दूसरी भी और कंट्रीज है जो इस हीरे पर अपना क्लेम कर रही है, और ब्रिटेन के हिसाब से इसका ट्रू ओनर का पता लगाना इम्पॉसिबल है। देखो ऐसी बात है ना कि कोहिनूर के इंडियन ओरिजिन का सबसे पहला मेंशन गरुड़ पुराण में है, जिसका मेंशन श्यामंतका इस नाम से किया गया, और शायद इसीलिए मिथोलॉजिकली लॉर्ड कृष्णा से भी इस हीरे को जोड़ा जाता है, बिकॉज कृष्णा को श्याम ही बुलाते थे। और इसके बाद कई सालों तक इस डायमंड के कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, अंटिल 1294 AD, जहां से कोहिनूर की जर्नी ककतिया डायनेस्टी के राजा मालवा से लेकर सल्तनेट्स और डायनेस्टीज के पोजेशंस से गुजरी। मगर बात तब बदल गई जब 1849 में सिख एम्पायर के 10 साल के राजा दुलीप सिंह से ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट साइन कराया, जिसे कोहिनूर ब्रिटिशर्स के पास आ गया, वो भी बिना उसके लीगल कंसेंट के। अब सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स के हाथों में आया लास्ट बड़ा इंडियन एम्पायर था, और इसीलिए कोहिनूर के पोजेशन को ब्रिटिशर्स ने एज अ विक्ट्री सिंबल ले लिया। इनफैक्ट इसके बाद कोहिनूर को म्यूजियम में रखने से पहले उन्होंने लिटरली इसके लिए आलिशान एग्जीबिशन, ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस भी ऑर्गेनाइज किया था। एग्जीबिशन के लिए पूरे पैलेस को खूबसूरत तरीके से सजाया गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच में एक लोहे के पिंजरे में रखा गया था द एक्सक्विजिट कोहिनूर डायमंड। इसे देखने के लिए इतने लोग आए थे कि वहां पुलिस से लोगों की भीड़ संभाली नहीं जा रही थी। पर ये तो जनता की बात है, किंग जॉर्ज द 6th तो इस डायमंड से कुछ खास इंप्रेस नहीं थे, क्योंकि जब कोहिनूर को लाया गया था वो एक 186 कैरेट का पत्थर था, और इसीलिए उन्होंने एक डच कंपनी को उसे तराशने का काम सौंपा, जिन्होंने कोहिनूर को आज वो जैसा दिखता है उसे वैसे 106 कैरेट में कन्वर्ट कर दिया। मगर डायमंड के फैक्ट्री से लौटने से पहले ही उनकी मौत हो गई, और इसी कोइंसिडेंस के बाद पूरे ब्रिटेन में ये बात फैल गई कि कोहिनूर के ऊपर एक ऐसा श्राप है कि उसे रखने वाले कि कभी भी अचानक से मौत हो जाएगी। और बस यहीं से पूरी दुनिया में ये कहावत स्प्रेड हुई कि वो डायमंड काफी विशियसली पावरफुल है, जिसे ओनली द गॉड्स एंड विमेन कैन बेयर इट। और इसीलिए आप देखोगे तब से लेकर आज तक कोहिनूर सिर्फ रॉयल फैमिली के फीमेल लिनियज में ही पास ऑन होते आया है। लेकिन फ्रेंड्स ऑफ कोर्स कोहिनूर का ओरिजिन तो इंडिया का ही है, कितने सदियों तक वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही रहा है, तो फिर इंडियन हिस्ट्री का इतना मेजर हिस्सेदार होते हुए भी वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली में क्यों पास ऑन होते जा रहा है। अपने इसी हेरिटेज को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1947 से ही एक्शन ले रही है। 1953 और 1997 में जब क्वीन एलिजाबेथ II इंडिया आई थी, तब भी इंडिया ने अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को वापस करने की ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें खास करके कोहिनूर भी था। मगर कोहिनूर के लिए स्पेशली उन्होंने ये जवाब दिया कि वो कोई चोरी की हुई चीज नहीं है, उन्हें तो तब के सिख राजा राजा दुलीप सिंह ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसी तरह 2016 में भी एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था, जिस पर SC का ये कहना था कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है, मगर इस बार इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर फर्म है। और ये टाइम भी एक्चुअली काफी सही है, ब्रेक्सिट के बाद से UK की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, वहां पाउंड डीवैल्यू होते जा रहा है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो UK में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और इसीलिए UK फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए इंडिया से काफी पुश कर रहा है। इसका ये मतलब है कि आज इंडिया को UK के ऊपर अच्छा लेवरेज है, जिससे उन पर अच्छा खासा प्रेशर बनाया जा सकता है। As Supreme Court rightly said, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है, और यही डिप्लोमेसी रचाने का आज से सुनहरा मौका भारत को कभी नहीं मिला। मगर वहीं पर UK पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन इसको लेकर सेम है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि कोहिनूर गिफ्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंगली 2010 में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये ओपनली कहा कि अगर यूके कोहिनूर को वापस दे देता है तो धीरे धीरे यूके के सारे म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यूके ने बाकी देशों को भी तो लूट के रखा है। मतलब यहाँ पर डुअलिटी देख रहे हो। ऑल्सो एक और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे और भी नेशंस हैं जिन्होंने दूसरे कंट्रीज के प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स चुराए, लेकिन ब्रिटेन में और दूसरे कंट्रीज में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बाकी के कई कंट्रीज ने लूटे हुए आर्टिफैक्ट्स को वापस दे दिया है। जैसे डच गवर्नमेंट, जिनकी एडवाइजरी कमेटी की बात मानकर उन्होंने इंडोनेशिया के एंटीक्स जैसे प्रिंस डिपेनगोरो का डैगर वापस कर दिया। फ्रांस ने भी फ्रेंच कोलोनियल एरा को एरा ऑफ हिस्टोरिकल क्राइम का नाम देकर सारे लूटे हुए आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स को वापस कर दिया। इनफैक्ट यूके ने खुद ने अफ्रीकन कंट्री बेनिन को उनके 125 इयर्स पहले लिए गए आइटम्स लौटा दिए। सो मतलब कोहिनूर और बाकी इंडियन आर्टिफैक्ट्स के वापस करने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया क्योंकि काफी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आज के तारीख में होल्ड कर रहा है। एक और एक थोड़ी अंदर की बात पता चली एनडीटीवी के एक आर्टिकल से कि कोहिनूर को लेकर पोजेसिवनेस या लालच रॉयल फैमिली और उनके गवर्नमेंट को ही है। ब्रिटिश सिटीजंस को कोहिनूर से कोई भी लगाव नहीं है, इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि इंडिया की संपत्ति फिर से वापस इंडिया में ही आ जाए। We'll give back some of the stuff we took from you, yeah? और अगर इंडिया में कोहिनूर हीरा वापस से आ जाता है तो वो कहां पर जाएगा? वेल, ओडिशा के बीजेपी लीडर भूपिंदर सिंह ने ये कहा कि कोहिनूर को अब उसी जगह रखना चाहिए जहां उसके प्रीवियस होल्डर महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी इच्छा थी, और वो जगह है पुरी का जगन्नाथ टेंपल। अब मेरे हिसाब से तो अगर ये हो गया तो ये ना ही सिर्फ हमारे लिए एक नेशनली एक प्राइड की बात है बल्कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफी हो सकते हैं, एंड ब्रिटेन को खुद इससे इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने में आसानी होगी। इनफैक्ट अब तो इंडिया को अपनी जमीन पर लिथियम के अलावा कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल चुके हैं, जो अगेन इंडिया के लिए एक ब्रेक थ्रू है। और ब्रिटेन के लिए इंडिया को नाराज नहीं करने का एक और एक कारण, इस टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में, यहाँ पर आप क्लिक करके ये जान सकते हो कि इंडिया के हाथ में क्या लॉटरी लगी है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला और आप काफी एक्साइटेड हो कि कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस लौट आ सकता है, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना। गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज Stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!